गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पारुल जायसवाल मिशन सिविल सर्विस में आपके स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 18 मार्च के करंट अफेयर्स के लिए रेडी हो जाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे, चौथे, दूसरे या पहले? दोस्तों, भारत जो है हमारा, वो चौथे स्थान पे पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़ कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बैंक बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर थी। रूस का रिजर्व 580.1 बिलियन डॉलर था। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, उसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। भारत में जितने भी बैंक होते हैं, उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन और बीपी कानूनगो। नेक्स्ट वन इज है, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, रॉबर्ट या नेमार? दोस्तों, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं रोनाल्डो। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अब 770 मतलब कि 770 गोल हो चुके हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के सबसे ज़्यादा स्कोर डेट इज 767 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देखते हैं फुटबॉल से रिलेटेड कुछ संबंधित जानकारियाँ। फुटबॉल का खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इसका संचालन फीफा करती है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी डीसीएम ट्रॉफी, डूरंट कप, रोवर्स कप, वीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, आईएफए शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सारे जो है फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल होता है। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान MGNREGA के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश के पहले स्थान पर रहा है? बिहार, गुजरात, असम या छत्तीसगढ़? दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो पहले स्थान पर रहा है वो है छत्तीसगढ़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, भारत में लागू एक राज्य रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। टॉप 3 राज्य हैं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। ये आपका 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी है अटल नगर, जिसको हम नया रायपुर भी कहते हैं। इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्र मेनन,
छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष साल। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। अचानक कमार और इंद्रावती, यह दो मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर फ्रेंड्स, दोस्तों अगर हमारे वीडियोस के करंट अफेयर्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि ऐसे ही अननोन फैक्ट्स आपके सामने हम प्रेजेंट करते रहे। नाउ चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म, ये हरियाणा, बिहार, गुजरात या आंध्र प्रदेश। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म आपका हरियाणा में किया गया है, ठीक है। आयोजन हरियाणा में पंचकुला में किया गया है। इस आयोजन में 5 देशों के राजदूत, विभिन्न राज्यों के पर्यटन विकास बोर्ड के अधिकारी एवं पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव में पर्यटन उद्योग को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। चलिए हरियाणा स्टेट से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी से है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा जी हैं। हरियाणा के राज्य के लोक नृत्य फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठे नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, डूमर नृत्य, झूमर नृत्य। हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की लोकसभा सीट कितनी होती है? 10। राज्यसभा सीट कितनी है? 5। विधानसभा सीट कितनी है? 90। नाउ द नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च या 18 मार्च? दोस्तों यह 16 मार्च को मनाया गया। पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय प्रतिक्षरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करने और दुनिया से इसे पूरी तरह मिटाने का प्रयास करना है। 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि देश ने अपना सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और थीम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। दोस्तों जो नीचे थीम दी हुई है साथ ही साथ आप पढ़ते चलिएगा। विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। इसके थीम के बारे में हमने पिछले वीडियो में समझाया है, तो आप पिछला वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं फरवरी के करंट अफेयर्स के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज 2021 में ग्रेमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 21वां, 71वां, 65वां या 63वां? इट्स 63वां, मतलब 63। ग्रीमी अवार्ड को कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 63 अवार्ड।
ओके, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। वर्ष 1958 के कलाकारों के संगीत में उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनका सम्मान करने के लिए 4 मई 1959 को पहला ग्रेमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। और अमेरिकी सिंगर बियॉन्से 63वें ग्रेमी समारोह में 28 पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सिंगर बन गई थी, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा है। चलिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स रिलेटेड टू अवार्ड्स रिवीजन कर लेते हैं। 2021 में न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स के सैरागुस 17वें को सम्मानित किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण ने जीता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार ने जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के बाद अब किस सरकार ने निजी कंपनियों में की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? इट्स झारखंड। ओके, हरियाणा के बाद झारखंड देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां प्राइवेट कंपनियां में नौकरी के साथ रोकने के लिए स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी है। झारखंड की स्थापना हमारी 15 नवंबर 2000 में हुई थी। इसकी राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू मुर्मू झारखंड के न्यायाधीश रवि रंजन जी झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, विधानसभा सीट 81। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश? भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का बुर्का पे जिन्होंने प्रतिबंध लगाया है वो देश है श्रीलंका। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कोलंबो है। इसका करेंसी रुपया। राष्ट्रपति गोतेबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन या कार्तिक आर्यन? फ्रेंड्स, इट्स कार्तिक आर्यन। चलिए टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर, फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप ठांडू, आरोग्य सेतु अजय देवगन, मेक इन इंडिया पीयूष खंबटा, निर्मल भारत अभियान विद्या बालन, अतुल्य भारत नरेंद्र मोदी। नाउ द लास्ट वन, रावलपिंडी में प्रसिद्ध कैरल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? विराट कोहली, शोएब अख्तर, MS धोनी या KL राहुल? इट्स शोएब अख्तर। रावलपिंडी के कैरल स्टेडियम का नाम बदलकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। अब कैरल स्टेडियम शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर जाना जाएगा। देख लेते हैं टॉप 5 बदले गए नाम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है। असम के बेगी बोगी बुल पुल का नया नाम अटल सेतु हो गया है। नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप हो गया है। हेवलाक
द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप हो गया है। रॉस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस हो गया है। ओके फ्रेंड्स, ये रहे 18 मार्च के करेंट अफेयर्स। आई होप सारे करेंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही करेंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए देखते रहिए मिशन सिविल सर्विस, और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस।